हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सेगमेंट रिपोर्ट ये चीज़ सीए इंटर या सीए फाइनल के बच्चे समझ सकते हैं तो सीए इंटर में आपने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा होगा ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग तो वो सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर आज हम किसी एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे कौन सा है देखते हैं सोचते हैं तो पहले थोड़ा सा बेसिक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि वो टोटल बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन देता है वो आपको कभी भी पार्ट बाय पार्ट बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सेगमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो पी एंड एल बैलेंस शीट इज ऑन टोटलिटी बट अगर बिजनेस एक कॉन्ग्लोमरेट है एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है तो मुझे उस बिजनेस का अलग अलग एंगल से डेटा चाहिए होता है स्पेशली प्रोडक्ट एंगल और बिजनेस एंगल और दूसरा होता है जोग्राफिकल एंगल तो वो एंगल से डेटा पी एंड एल में आपको कभी भी नहीं मिलता है तो तो वो डेटा अगर आपको चाहिए, तो आपको चाहिए सेगमेंट रिपोर्ट को रेफर करना पड़ेगा और वो सेगमेंट रिपोर्ट आज हम पहले समझ लेंगे और उसके बेसिस पे कुछ एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ बीच में शायद थोड़ा बहुत मैं इस एक्सेल में उसका डेटा लेना कैसे होता है उसके ऊपर भी एक टेक्निक आपको एक्सप्लेन करूंगा जेन्युइन टेक्निक रॉ टेक्निक है तो

ऑयल केमिकल्स वाला उनका एक बिजनेस है जहां पर वो ऑयल क्रूड ऑयल को अलग अलग रिफाइन करके अलग अलग केमिकल्स बनाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं दूसरा उनका बिजनेस है जहाँ पर वो क्रूड ऑयल का ही एक्सट्रैक्शन करते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन करके है आपको मालूम होगा तो, तो वहां पर क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन एक बिजनेस है फिर क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग करके केमिकल्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना के उनको बेचना अलग अलग पेट्रोल पम्प के थ्रू उनका बीपी के साथ उनका टाइप है ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ और उनके पेट्रोल पम्प है आजकल जियो पेट्रोल पंप के नाम से जाने जाते हैं वो तो वो वहां पे पेट्रोल या फ्यूएल बेचना दूसरा बिजनेस तीसरा बिजनेस है उनका टेलीकॉम बिजनेस या डिजिटल सर्विसेस वाला बिजनेस टेलीकम्युनिकेशन और चौथा बिजनेस जो है उनका है रिटेल वाला रिलायंस के रिटेल के स्टोर है तो एक कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस है एज ए इन्वेस्टर एज एनालिस्ट आई वॉन्ट टू नो कि कौन से स्ट्रीम से कितना रेवेन्यू आ रहा है कितना प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा सेगमेंट रिपोर्ट में तो अभी ये सेगमेंट रिपोर्ट मिलेगा कहां मैं जाता हूं स्क्रीनर पे एनुअल रिपोर्ट में सेगमेंट रिपोर्ट डिटेल में रहता है जो आपने सिलेबस में पढ़ा होगा टेक यू टू द एन्युअल रिपोर्ट एंड स्क्रीनर पे गया मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्च किया एनुअल रिपोर्ट्स या क्वार्टरली जो भी प्रेजेंटेशन होते हैं सारे के सारी चीज़ें स्क्रीनर तिजोरी पर रहती है अवेलेबल मैं स्क्रीनर दिखा रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स पर गया मैं डॉक्यूमेंट में वहाँ पर एनुअल रिपोर्ट होता है एनअल रिपोर्ट मैंने सर्च कर लिया तो डो आई टेकन लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट और उसमें सर्च करने का कंट्रोल एफ किया मैंने सेगमेंट रिपोर्ट जो कंपनी होल्डिंग कंपनी रहती है उसको सेगमेंट रिपोर्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही प्रेजेंट करना होता है स्टैंड अलोन पे प्रेजेंट नहीं करना होता है तो ये कंट्रोल एफ करके फाइंड हो गया मैं उसको सिर्फ ज़ूम करता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए तो यहां पर ये पेज नंबर 419 उन्होंने हाफ ऑफ किया है 488 89 ऊपर है 490 पेज नंबर पे उनका सेगमेंट रिपोर्ट है फॉर द ईयर एंडेड एफआई तो यहां पर उन्होंने पहले सेगमेंट के डिस्क्रिप्शन देते हैं यू सर्विसेज का बिजनेस भी रिलायंस के अंदर था वो उन्होंने अभी डिमर्च किया है उसको डिसकंटिन्यू किया रिलायंस में और उसको अलग एक कंपनी फॉर्म की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो अभी उसका डेटा यहां पर आपको नहीं दिखेगा टू ऑब डेटा तो लास्ट ईयर में उसका Assets, जो होती है वो भी आपको सेगमेंट बाई सेगमेंट बाइफरकेट करनी होती है बट बहुत सारी असेट लाइबिलिटीज आप किसी सेगमेंट को लिंक

प्राइमरी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दिया बिजनेस टू ट्वेंटी का ट्वेंटी तो रहेगा में, में इतना बड़ा अमाउंट कैसे सर ऑलमोस्ट सेवेंटी नाइन थाउजेंड करोड़ अदर्स में चला गया है देर कैन बी इनकम देर कैन बी अदर सेगमेंट देर सेगमेंट जहां पर इन्वेस्टमेंट इनकम तुम कमा रहे हो गए राइट right? तो उन्होंने कहां पर नहीं पकड़ा वो सेगमेंट अलग से सेगमेंट उसको नहीं वो मटेरियल अमाउंट नहीं है उनके टोटल स्कीम ऑफ थिंग्स में 10 से भी लेस है वो अगर आपने ऑब्जर्व किया तो टोटल रेवेन्यू तुम्हारा है और अदर्स वाला जो रेवेन्यू है बहुत कम है छोटे मोटे बाकी के प्रोडक्ट्स उनके बहुत सारे हो गए आप बोले अदर्स में क्या आएगा जैसे रिलायंस कपड़ा भी बेचता है विमल रिलायंस धीरो अंबानी ने एक्चुअली विमल पहला बिजनेस नहीं था उनका स्पाइसेस का बिजनेस पहले था तो रिलायंस का विमल कपड़ा बेचने का भी बिजनेस है वो तुम्हारा अदर्स में आ जाएगा बट वो मटेरियल नहीं है मटेरियल उनके कितने है चार तो उन्होंने एक्सटर्नल टर्न कितना कमाया है हर एक बिजनेस ने सबसे ज्यादा टर्न ओवर आया है तुम्हारा ऑयल टू केमिकल बिजनेस रिफाइनिंग करके अलग अलग केमिकल्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना के रेवेन्यू ज्यादा है लेकिन बेटा मेरे को चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी आएंगे प्रॉफिट के ऊपर भी आएंगे इंटर सेगमेंट रेवेन्यू ऑयल एंड गैस का इंटर सेगमेंट रेवेन्यू ज्यादा है वो क्या है ऑयल एंड गैस में क्या आता है बच्चों

ओ टू सी ने भी कुछ केमिकल्स जो थे वो बेचे हो गए रिटेल बिजनेस को या बाकी बिजनेस को डिजिटल सर्विस में बहुत ज्यादा इंटर सेगमेंट रेवेन्यू है क्यों बाकी सेगमेंट जो मोबाइल कनेक्शन यूज करना है जियो का ही यूज करेंगे ना तो ओ टू सी बिजनेस के जो एम्प्लॉयज है उनके पास जो ऑफिस पर्पज के लिए फोन दिया रहेगा वो किसका रहेगा रिलायंस जियो का रहेगा तो इंटरनल रेवेन्यू आ गया एट्टी फोर थाउजेंड करोर रूपीज का रुपीज करोर्स है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेस प्लस आई टी सर्विसेस ऑल्सो आर प्रोवाइडेड बाई रिलायंस जियो टू अदर बिजनेस तो टोटल सेगमेंट रेवेन्यू आया सेगमेंट रेवेन्यू इंक्लूड इंटरनल रेवेन्यू ऑल्सो उसमें से जीएसटी माइनस किया गवर्नमेंट को दे दिया और नेट रेवेन्यू आया ये नेट रेवेन्यू तुम्हारा आ गया इधर एट लैख नाइन्टी वन थाउजेंड करोड़ इंक्लूडिंग इंटरनल रेवेन्यू ऑल्सो सो दैट इज अगमेंट रेवेन्यू बट रिमेंबर बच्चो सेगमेंट रेवेन्यू का टोटल तुम्हारा एट लाख नाइन्टी 1000 करोड़ है लेकिन पी एंडल में एट लाख नाइनटी वन थाउजेंड नहीं रहेगा पी एंडल में इंटर, ये जो वाला है ना इंटर सेगमेंट रेवेन्यू वो क्या होता रहेगा एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप इनका टोटल लोगे ना इन चीजों का टोटल लोगे तो वो इससे शायद मैच नहीं होगा इससे मैच नहीं होगा ये, ये सारे चीजों का टोटल अभी डेटा एक्सेल में लेने के बाद देखेंगे टोटल मैच नहीं होगा क्यों नहीं मैच होगा क्योंकि ये सेगमेंट रेवेन्यू में तुम्हारा क्या है इंटर सेगमेंट लेकिन में टोटल लिया किसी ने बच्चे ने इन सबका टोटल लाख नाइन सिक्स थाउजेंड परफेक्ट इनका टोटल है नाइन लाख नाइनटी सिक्स थाउजेंड इज सेगमेंट रेवेन्यू लेकिन पी एंड एल में कितना गया एट लाख 91,000 करोड़ ये सेगमेंट रेवेन्यू क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे को सही मार्जिन पता चलना चाहिए अगर आपने सही नहीं आएगा जियो so के जो सिम कार्ड्स है वो यूज किए बाकी बिजनेस ने है ना तो इट इज नॉट इट्स लाइक नॉट अर्न फ्रॉम इट इज इंटर ग्रुप रेवेन्यू ओनली बट मार्जिन निकालने के लिए क्योंकि कल अगर रिलायंस को उसमें से ओनरशिप बेचनी है जो उन्होंने बेची है कुछ फेसबुक को ओनरशिप बेची है कुछ माइक्रोसॉफ्ट को बेची है कुछ ओनरशिप उन्होंने कतार से कुछ बिजनेस है उनको बेची है डिजिटल सर्विसेज में डिजिटल सर्विसेज में रिलायंस का ओनरशिप इसउंड एटी थ्री एटी फोर परसेंट राइट नाउ नॉट हंड्रेड परसेंट तो वो जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स है उनको फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उनका स्टेक भी है ना उसके अंदर उनको मार्जिन समझना चाहिए वो बिजनेस का मार्जिन कितना है तो इसीलिए इंटर सेगमेंट रेवेन्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट रिजल्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बेसिकली ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हर एक सेगमेंट ने कितना कमाया है कुछ अनोकेबल है वो माइनस करके तुम्हारा फाइनल अमाउंट आ गया समझा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है जो तुमने लोन लिया होगा जो तुम्हारे बैलेंस शीट डेट होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट इंटरेस्ट आता है इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो मैंने माइनस कर दिया इंटरेस्ट कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट आ गया जो इंटरेस्ट इनकम है दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू जो तुमने टेम्परिरी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स किए वो इनकम मैंने ऐड किया सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम एक लाख तीन हजार करोड़ में ये माइनस किया ये एड किया नाइनटी फोर थाउजेंड आया एक्सेप्शनल आइटम कुछ नहीं है आया. A17, 17 के आपको दिखाना पड़ता है सो so, आपने रिकनसाइल किया फिर उसके ऊपर टैक्स आया उसमें से डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का कितना है अगर आपने शेड्यूल थ्री कभी पढ़ा होगा तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड

तो जो रिलायंस का शेयर खरीदेगा उसको सिक्सटी सिक्स थाउजेंड कर एक शेयर के लिए नहीं पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अगर हंड्रेड परसेंट शेयर ऑफ आर आई एल अगर आपके पास है तो सिक्सटी सिक्स थाउजेंड करोर आपका प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी के शेयर तो रिकंसिलेशन मैंने प्रेजेंट किया क्या क्या प्रेजेंट किया मैंने पहले सेगमेंट रेवेन्यू फिर सेगमेंट रिजल्ट और उसका रिकनसिलियशन प्रेजेंट किया फिर सेगमेंट का अदर इंफॉर्मेशन सेगमेंट असेट्स सेगमेंट लाइबिलिटी बहुत काम की चीज है इससे हमें हर एक सेगमेंट में कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो समझेगा बच्चों अगर आप सिंपल देखोगे असेट्स माइनस लाइबिलिटी इज अ कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन दैट सेगमेंट और मैं क्वेश्चन पूछूंगा ये कैपिटल है कैपिटल में डेट नहीं है सॉरी कैपिटल में डेट भी है तो सेगमेंट लाइबिलिटी में लोन नहीं आता है लोन इज अ लाइबिलिटी इन अकाउंटिंग लैंग्वेज बट सेगमेंट के अंदर जो लोन है लोन इज नॉट अ सेगमेंट लाइबिलिटी क्योंकि जो लोन के ऊपर का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपके सेगमेंट एक्सपेंसेस में नहीं आता है ये मैंने lectures में regular lectures में बताया होगा आपको। तो so, मतलब ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज है तो सेगमेंट असेट माइनस सेगमेंट लाइबिलिटी मतलब क्या आता है तुम्हारा इक्विटी प्लस डेट अप इन दैट सेगमेंट तो ये दोनों का अगर मैं माइनस दिस

एक्सपेंडिचर बहुत बड़ी काम की चीज होती है कंपनी कौन सेगमेंट में पैसा डाल रहा है इट टेल्स यू कैपिटल पॉलिसी नॉट एवरी अबाउटल इन्वेस्ट कर रहा है आई वॉन्ट अंपनी टू इनवेस्टिट इन सेगमेंट वेयर ग्रोथ पैसा उस जगह पर लगाना चाहिए जहां पर ग्रोथ है लाइक like, ये जो रिलायंस का ओ बिजनेस और ऑइल एंड गैस बिजनेस है ये बहुत ज्यादा ग्रोथ वाला बिजनेस नहीं है क्योंकि ऑयल इज नाउ इट्स बिकमिंग अ थिंग ऑफ पास्ट बिकॉज आर अ रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर हाइड्रोजन के थ्रू एनर्जी है या न्यू एनर्जी सोर्सेस है तो इसीलिए आपको ये देखना है कि रिलायंस जो पैसा लगा रहा है वो कौन से बिजनेस में कैपिटल अलोकेट कर रहा है जहां पे ज्यादा ग्रोथ है वहां पे कैपिटल एलोकेशन होना चाहिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया आप अगर क्लियरली देखोगे आउट ऑफ वन लाख फोर्टी वन थाउजेंड करोर तुमने अगर ऑब्जर्व किया देखो यहां पर रिलायंस ने कैपिटल कम लगाया मोटा भाई बहुत टैलेंटेड है आई लव मुकेश अंबानी मोटा भाई मुकेश अंबानी बहुत टैलेंटेड इसका यह मतलब नहीं कि रिलायंस का शेयर तुमने जाके खरीदना चाहिए रिलायंस विल नॉट गिव इन माय ओपिनियन इट विल नॉट गिव अ मैसिव रिटर्न्स एज इन करंट फॉर्म इसका डिमर्जर होना चाहिए और इसका जो डिजिटल सर्विसेज और रिटेल का बिजनेस है अलग होना चाहिए क्योंकि ऑयल एंड केमिकल वाला बिजनेस जो है ना वो थोड़ा रिटर्न कम देता है

इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग इज एट आर्म्स आर्म्स प्राइस प्राइस मतलब फेयर पे हो चुका है एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट को जो ट्रांसफर हुआ है लार्ज कंपनीज के लिए या प्रिस्क्राइब कंपनीज के लिए इंडेस अपलीकेबल है तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स क्या क्या है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है यहां पर और दूसरा एक एंगल होता है ये हमने बिजनेस एंगल से रिलायंस को समझ लिया बिजनेस एंगल से कितने सेगमेंट्स मिले हमको चार ऑयल एंड गैस ऑयल टू तो केमिकल बिजनेस बिजनेस रिटेल एंड डिजिटल ऑयलटल लेकिन वाइज सेगमेंट रेवेन्यू विद इन इंडिया सेगमेंट रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया क्या है so, रिलायंस बहुत ज्यादा ऑयल जो सॉरी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट Let's say around 15 to 20 percent of India's total exports come from Reliance alone. आपको एक्सेक्ट भी परसेंटेज देखना पड़ेगा। It 3 lakh 95 thousand crore का उसने एक्सपोर्ट किया है। क्यों भाई? क्योंकि वो क्रूड ऑयल खरीदता है, रिफाइन करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो रशिया और यूक्रेन का जब वॉर चालू हुआ, तो रशिया के ऑयल के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगाया था और बोला था कि रशिया अपना ऑयल 60 बैरल्स 60 डॉलर्स पर बैरल के ऊपर नहीं बेच सकता है तो रशिया ने क्या किया वही ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बेचना तभी भी चालू किया थ्रू सम शिप्स इन दुबई तो वो शिप्स रशियन शिप्स होते थे दुबई या गल्फ कंट्रीज में जाते थे और वहां से लोग खरीदते थे तो इंडिया ने बहुत सारा ऑयल खरीद लिया वो इंडिया के ऊपर लगे कि आप रशियन ऑयल क्यों खरीद रहे तो वहां पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लोगों को अगर थी उनकी। अच्छा रिप्लाई दिया था तो इंडिया ने वो ऑयल रिलायंस इंपोर्ट करके बहुत पैसा कमाया रिलायंस तो लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया फिर विंडफॉल विंडफॉल गेन टैक्स इनकम टैक्स में नहीं है वो अलग से

डेटा जो एक्सेल के अंदर एक बेसिक माइक्रोसॉफ्ट का बहुत खतरनाक फीचर है तो मैं ये दो पेजेस जो है उनको पीडीएफ में पहले कन्वर्ट करता हूँ बिकॉज टोटल फाइल 320 पेजेस का है दिस पेज इज पीडीएफ का पेज नंबर 300 सो लेट मी डू द सेव एज पीडीएफ सो यहाँ पर पेजेस में कस्टम करता हूँ मैं और कस्टम में मैं 300 पेज नंबर जो था ना 300 हंड्रेड डैश तो ये दो पेजेस जो है ना मैं उन दो पेजेस को मैं क्या करता हूँ सेव करता हूं एक्सेल पे सो so, डेस्कटॉप पे मैंने क्या किया इनको सेव कर लिया मेरे और डेस्कटॉप पे आ, ये फाइल आ गया एंड आई ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिकॉज आई वांट टू टेक दैट डेटा इन एक्सेल एक्सेल एंड डू सर्टन कैलकुलेशंस सो हैज अ फीचर वेयर बाय यू कैन कम्युनिक यू कैन लिंक एक्सेल विद द एक्सटर्नल डेटाबेस यू कैन लिंक एक्सेल विद वॉट एक्सटर्नल डेटाबेस तो बहुत सारे टाइप्स है मैं अभी पीडीएफ से कनेक्ट कर रहा हूं ये बहुत रॉ लेवल का कनेक्शन है जो बेस्ट कनेक्शन जो आपके पास रियल लाइफ लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट का अजूर का सर्वर है और सर्वर पे आपका पूरा माइक्रोसॉफ्ट का लेट्स से नाविजन है, है या एस एपी का बीवन है या एस एपी का, का कोई भी आपका वर्जन है तो एस का डेटाबेस है या माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है या सेल्स का आपका सीआरएम है उसका जो एक्चुअल डेटा है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो वो डेटाबेस में डेटा वैसा का वैसा ही रहेगा सिर्फ वहां से यहां वो डेटा कैलकुलेशंस के लिए इंपोर्ट होगा और यहां पर आके आप बहुत बढ़िया से बढ़िया डैशबोर्ड्स आप बना सकते हो उससे आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में के होते हैं या की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं या डैशबोर्ड्स आप अच्छे अच्छे डैशबोर्ड्स बना सकते हो इस सारी चीज को बोलते हैं बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस और माइक्रोसॉफ्ट का इसके लिए अलग से एक प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट है बीआई के अंदर तो पावर भी है इज अ प्रोडक्ट डट यू शुड ट्राई टू लर्न इन आर्टिकलशिप या जो बच्चे ऑलरेडी आर्टिकलशिप में है प्लीज आपके ऑफिस में जरा थोड़ा सा फैसिलिटी होगा तो उसको लर्न कर लेना माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्रिप्शन लेके सो मैं आपको अभी मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है ऑलरेडी बट आई एम कनेक्टिंग यू ओनली टू दैट पी तो डेटा के अंदर जाना है आपको गेट डेटा करना है और आप डेटाबेस से एसक्यूएल डेटाबेस हो सकता है एक्सेस वाला हो सकता है बहुत सारे डेटाबेस है एजियोर सर्वर हो सकता है और प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं या अदर सोर्सेस बहुत सारे सोर्सेस है तो आप ब्लैंक क्वेरी लिख के कोई भी सोर्स को लिटरली आप कनेक्ट कर सकते हो या इसके आगे भी एक पावर भी आया होता है ये बेसिक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो so, मैं गया यहाँ पर फ्रॉम फाइल फ्रॉम फाइल में मैं सिलेक्ट किया पीडीएफ इसके बहुत ये बेसिक डेटा कनेक्शन टूल है तो उसमें मैं गया डेस्कटॉप पे और वो फाइल मैंने सिलेक्ट की तो वो फाइल सिलेक्ट करने के बाद एक अलग से विंडो आएगा तो इट इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन एक्सेल इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश व्हाट कनेक्शन विद दैट पर्टिकुलर डेटाबेस उसने कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया और उस फाइल में पीडीएफ में जहां जहां उसको टेबल या टेबुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मिलती है एक्सेल उसको कैप्चर करता है और आपको दिखाता है तो मैं ये टेबल है पेज वन पे उसको ये टेबल मिला है उसको पूरा डेटा वो इंपोर्ट करने के बाद दिखाता है टेबल पेज टू पे भी एक टेबल मिला है

ये मैंने फाइल आ गया तो मेरे पास 22, 23 का डेटा आ गया और 21, 22 राइट साइड रहेगा किधर तो है ना उधर 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 जैसा डेटा था वैसे एक्सेल ने ले लिया उसको टैबुलर फॉर्मेट में कर लिया अब मैं उसको में से जो काम का है वो मैं अलग शीट में कॉपी करता हूँ परपज़फुली तो ये ट्वेंटी टू का है ठीक है तो ये ट्वेंटी टू डैश की अपना जो डेटा चाहिए था वो मैंने कंट्रोल सी करूँगा यहाँ से एफर्ट टैक्स जितना भी चाहिए था मेरे को सब तो कुछ मैंने क्या कर लिया कंट्रोल डेशन तक और अलग शीट में जाके मैंने उसको कंट्रोल भी कर दिया जितना चाहिए मल्टीपल आपको। आपको करने के बाद ग्रोथ भी समझ में आएगा कि कौन सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ हो रहा है राइट नाउ आई विल ऑब्वियसली नॉट अंडरस्टैंड ग्रोथ बिकॉज आई डोट है मेरे पास बट वो वापस उसके नीचे बराबर लगाना पड़ेगा मेरे को ठीक है सो so, चलो अब देखो पागल हो जाओगे ये तुम्हारा रेवेन्यू है ये डेटा उस एक्सेल को समझा नहीं वो नंबर है उसने फॉर्मेट टेक्स के जैसा किया है वहां पर रिमार्क दिखा रहा है लेकिन वहां पर ऑप्शन उप्ष, है कन्वर्ट टू नंबर तो मैं क्या करता हूँ सारे डेटा को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं उसको क्या कर लूंगा करने के बाद यहां पर ऑप्शन है कन्वर्ट टू नंबर तो नंबर में कन्वर्ट हो गया ताकि total, तो ताकि आई कैन टेक अ टोटल इफ यू ऑब्जर्व मेरे पास थोड़ा सा जूम लेवल मैंने बढ़ा दिया ये शीट इतना लंबा क्यों गया एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा कम करते हैं इसको रैप करता हूँ मैं तो एक स्क्रीन पे आएगा हो गया रैप तो ये रो मेरे को नहीं चाहिए चल हट सेगमेंट रेवेन्यू आ गया अगर आपने ऑब्जर्व किया ये डैश मेरे को नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल एच करूंगा डैश जहाँ जहाँ है निकाल दे रिप्लेस ऑल सारे के सारे डैश चले गए हो गया तो यू शुड नो हाउ टू क्लीन अप द डेटा ऑब्वियसली वट आई एम एक्सप्लेनिंग एट ए वेरी स्लो स्पीड अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो ये मेरा बहुत लोअर लेवल का स्पीड है एनालिसिस करने के लिए यू शुड बी एट अ एक्सट्रीमली फास्टेस्ट पॉसिबल बिकॉज देन ओनली यू कैन एनालाइज टन ऑफ डेटा एंड ये बेसिक टूल मैं आपको सिखा रहा हूँ फॉर एनलिसिस ऑब्वियसली शुड यूज सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर बट एट द इनिशियल स्टेजेस यू टू फॉल इन लव विद द एक्सेल एंड देन ओनली यू कैन यूज एडवांस लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल टर्न ओवर आ गया इंटरसेगमेंट टर्न ओवर आ गया अब मेरे को पहले क्या निकालना है मेरे को हर एक बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है अब देखो सेगमेंट रिजल्ट है मेरे पास इधर हाँ ना मैं यहां पे इसको फ्रीज करता हूं एट द टॉप तो ये मेरे को नहीं चाहिए पेन ठीक है अब मैं यहां पर नीचे मार्जिन पहले मैं क्या नंबर निकाल रहा हूं ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है अभी ओपीएम के दो वर्जन है एक होता है ई बी आई टी डिवाइडेड बाई सेल्स और दूसरा इबिडा मार्जिन होता है ई बी आई

डेप्रिसिएशन को ऐड किया डिवाइडेड बाय अगेन व्हाट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा क्योंकि डिप्रिसिएशन एड बैक किया तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस जो है उसका मार्जिन आ गया सारे चीजों को मैंने क्या कर लिया कॉपी कर लिया अदर्स में कुछ है ही नहीं तो ओवरऑल रिलायंस का मार्जिन इलेवन परसेंट है बट लुक एट डिजिटल सर्विसेज ओ माई गॉड इट्स हेवी मार्जिन बिजनेस वाई इट्स हेवी मार्जिन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं ना इट इज मोर ऑफ अ अ सर्विस इंडस्ट्री इट्स टेलीकॉम टेलीकॉम लाइसेंस लाइसेंस टेक कॉस्ट बन जाती है उसके ऊपर आप कितने भी यूजर्स को कनेक्ट करो पैसा कमाते जाओ प्लस प्राइसिंग बढ़ाते जाते हो आप तो उधर तुम्हारा मार्जिन बहुत अच्छा है ऑयल एंड गैस में भी मार्जिन तुम्हारा बहुत अच्छा है वो इस पीरियड में आप जज मत करना क्यों दिस इज अ पीरियड वेयर यू हैव हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स व्हाई बिकॉज योर इनपुट कॉस्ट वाज क्वाइट लेस

बिफोर टैक्स था ना ईबीआईटी दिस इज प्री टैक्स सिक्सटीन पॉइंट थर्टी फोर तो मैं इसको क्या करेगा कंट्रोल सी भी करेगा तो मेरे को पूरा डेट अदर्स में देखना ही नहीं चाहिए आपने अनलोकेबल है वो इसलिए वो आता नहीं है तो सेगमेंट असिट्स माइनस सेगमेंट लाइविटी मैचिंग होता है ना बैलेंस शीट तो टोटल छोड़ दो आप सेगमेंट बाई से दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर सेगमेंट सो आई कम टू नो दैट आप बोलोगे सर डिजिटल सर्विसेज में वगैरह आर ओ सी तुम्हारा कम है

शुरुआत में तुम बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम खरीद के रखते हो और धीरे धीरे उसका यूसेज बढ़ता है तो ये मेरा आर आएगा लेकिन मेरे को चाहिए कैपेक्स कहाँ कहाँ अलोकेट हो रहा है तो मेरे को चाहिए कैपिटल अलोकेशन कंपनी अलोकेशन। कौन से कौन से, से सेगमेंट में कैपिटल अलोकेट कर रही है अब मेरे पास टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है यहाँ पर तुमने अगर ऑब्जर्व किया यहाँ पर इनका टोटल कितना आया वन लाख फोर्टी वन थाउजेंड एट जीरो नाइन प्लस स्पेक्ट्रम भी लेना चाहिए मैंने तो मैं क्या करता हूँ टोटल टोटल कितना है मेरा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस उन्होंने स्पेक्ट्रम अलग से दिया तो टू कैसे निकालूंगा कैपेक्स इन दैट सेगमेंट दैट इज दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय टोटल टोटल लेकिन कॉन्स्टेंट रहना चाहिए तो मैंने उसको डॉलर लगा न्यूमरेटर सेम रहेगा तो अराउंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है एट पॉइंट ट्वेल्व परसेंट ऑफ दैट दे हैव टू टू ऑयल ऑयल द है टोटल ऑयल को उन्होंने 10 परसेंट एलोकेट किया दैट इज व्हाट द ब्रेन इज यू शुड नॉट एलोकेट टू मच ऑफ कैपिटल नाउ टू ऑयल बिकॉज इट इज आई टोल्ड यू इट्स अ सनसेट बिजनेस इट्स नॉट अ सनराइज सो देव एलोकेट मैसिव अमाउंट ऑफ मनी टू द डिजिटल सर्विस एंड रिलायंस रिटेल इन ओपनिंग

फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ आप बोलेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है दो लाख पैंतीस खर्च किया लेकिन जनरेट तो एक लाख पंद्रह हजार किया था बेटा बिजनेस ने लोन भी लिया होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी पैसा आया है प्लस एग्जिस्टिंग असेट्स भी तुमने बेचे हो ना तो मुझे कैपेक्स का फाइनेंसिंग कैसे हुआ कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ है ऑपरेशन से पैसा जनरेट किया मैंने कैश फ्लो के ऊपर एक लेक्चर डाला था लगभग लगभग सवा घंटे का लेक्चर था वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी तुमने क्या किया कुछ असेट्स तुमने बेचे हैं कुछ असेट्स तुमने खरीदे तो वहां से तुमने कैश जनरेट किया है न कैलकुलेट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश लो बट आपको क्या समझा इससे कंपनी पैसा कहां पर अलोकेट कर रहा है दे आर एलोकेटिंग मोर अमाउंट ऑफ मनी टूवर्ड्स न्यू बिजनेस अब यह समझेगा कहां से न्यू बिजनेस को यहां से समझ गया आपको लेकिन यू शुड ऑल्सो गो एंड सी वॉट इज अ पॉवर पॉइंट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दट इज गिवन बाय कंपनी ये एनुअल रिपोर्ट देखा लास्ट पॉइंट यहां पर स्क्रीनर पर डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद आपको एक कॉन्कॉल्स का पीपीटी मिलता है तो अभी ये हमारे डेटा हमने मार्च 23 देखा मार्च 23 का कॉन्कॉल हो गया होगा उसके बाद अप्रैल 23 में कॉन्कॉल लिया उसका पीपीटी देखता हूं मैं एंड यू विल कम टू नो पीपीटी में मैनेजमेंट ने फोकस दिखाना चाहिए मैनेज सी अगर मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कैपिटल एलोकेट किया किधर रिटेल एंड डिजिटल को कैपिटल एलोकेट किया है इज मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट अबाउट इट आर दी सेक्टर्स रियली ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट तो उसका ग्रोथ रेट मल्टीपल ईयर्स का आपको प्रेजेंटेशन में मिलेगा आई टेक यू टू द प्रेजेंटेशन तो ये उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को प्रेजेंटेशन सबमिट किया था तो ये फॉर प्रेजेंटेशन एफ वाई ट्वेंटी टू का हाईलाइट दे दिया उसने ये उनका टिपिकल रहता है तो आगे रहता है आई नो आई हैव रीड इट मल्टीपल टाइम्स ये वाला बिजनेस विद अ स्ट्रांग कैश फ्लोज एंड द ग्रोथ लुक

look at this oil and what you see oil and gas five years ka growth below gdp growth of country last three years 10.4 this is below gdp gdp is eight percent real yeah nominal hai. nominal matab, including inflation so your oil and chemical business is growing below gdp but Motabai is so intelligent he has allocated just 10 percent of his capital there

ऐसा नहीं है कि सीए कोर्स में फाइनेंस नहीं आता है अगर आप सोचोगे तो सीए कोर्स में भी एफ है ये केन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था उन्होंने लिखा था सी एज डोंट हैव एफ फाइनेंस सी एज डू हैव एफ इट्स नॉट द डिग्री इट्स नॉट द क्लोथ्स इट्स नॉट द ब्रांड ऑफ द क्लोथ्स इट्स अ क्लोथ्स विच यू मैटर थैंक यू बाय बाय